नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार। दोस्तों आज का वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों, अभी सीएसएफ फायरमैन का रिक्रूटमेंट का भी रैली चल रहा है। आज डेट का बात करें तो आज दोस्तों आज 9 तारीख है। आज सब लोगों भाई लोगों का सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले भाई लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोग। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग को यहाँ पर किस तरह से आप लोग सुबह कितना बजे यहाँ पर लाइन लगे और आप लोग क्या क्या प्रोसेस रहा सबसे पहले वो आप लोग बताइए। लाइन लगभग वही 5:30 बजे के आसपास लगे थे और 5:45 के आसपास एंट्री कर लिया। फिर अंदर जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करना था, आधार कार्ड आर का वो किया, चेस्ट नंबर दिया, उसके बाद आगे बढ़ाया। वहाँ जाके सबको फिर लाइन लगाया, टोकन दिया, बस में बैठा के वहाँ रनिंग पॉइंट पे लेके गया। वहाँ पे 5 मिनट टाइम। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप लोग का ट्रैक यहाँ पर कैसा लगा, बोकारो का ट्रैक? ट्रैक तो बहुत अच्छा है, ट्रैक यहाँ पर आराम से दौड़ने को निकल जाए। इतना अच्छा है कि खाली पैर भी बंदा दौड़ सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी कंकड़ वगैरह नहीं है, खाली पैर दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग मतलब आप लोग ये बता दीजिए सभी बंदा को, जो आने वाला कैंडिडेट है उसको ये बता दीजिए कि आप लोगों को कितना मिनट तक टोकन ले लेने से अच्छा एकदम क्लियर हो सकता है। टोकन वही अगर 11.5 मिनट के आसपास अगर फर्स्ट टोकन ले, मतलब 12 मिनट तक भी अगर ले लेता तो एकदम दिक्कत नहीं होगा। मतलब जो लड़का हिम्मत नहीं हारेगा, मतलब जो रनिंग में रहेगा तो वो फिक्स है कि 5 हो ही जाएगा। हाँ लगता है दौड़ते रहता है, अगर वो छोड़ देगा मतलब चलाते रहना है, अगर बीच में वो रुक जाएगा तो फिक्स है कि उसका नहीं होगा। अगर चलता रहेगा तो उसका क्लियर निकल जाएगा, कोई नहीं रहेगा। और ये सभी का कंफ्यूज है कि अभी डॉक्यूमेंट्स में अभी फिलहाल क्या छूट मिल रहा है? अभी कुछ छूट नहीं, डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा है, भारत सरकार का होना चाहिए, बिहार। अगर किसी का अगर नहीं, बिहार सरकार का मान लीजिए, आप लोग अभी बिहार से बिहार सरकार का ही ले रहे हैं, बट अगले वाले बोले केंद्र सरकार वाला अपना ओबीसी बनवा ले। क्या अंदर में एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखा रहा है क्या? हाँ, ओबीसी मतलब लिखवा रहे हैं कि मतलब पहले आने के तो उस बात जमा करेंगे। और ये बताइए आप लोग का कितना बजे फर्स्ट बैच को जो एंट्री रहेगा वो कितना बजे तक अगर एंट्री कर लेने से सही रहता? फर्स्ट बैच वैसे तो सब पहले ही 4 बजे मतलब यहाँ आकर सब लोग रह रहा है, तो दौड़ाने के लिए मतलब 5:30 बजे तक आसपास मतलब यहाँ से एंट्री करवाने लग रहा है और उसके बाद लिया जा रहा है। लास्ट टाइमिंग आप लोग 6 बजे, उससे पहले मतलब आप लोग का क्लियर हो जाता है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर वेरिफिकेशन? हाँ, 6 बजे एकदम क्लियर हो जाता है, 4 बजे को दौड़ा देता है, 6 बजे दौड़ा देता है फर्स्ट बैच। तो ये बताइए कि ट्रैक के पास जाने के बाद आराम से मतलब माइंड फ्री करके एकदम? हाँ एकदम माइंड फ्री करके, वो लोग सब बोल रहे थे कि सर आप लोग माइंड फ्री करके दौड़िए, कोई टाइम मायने नहीं रखता है, आप लोग दौड़ेंगे तो फिक्स है कि आपका होगा, नहीं दौड़ेंगे अगर हिम्मत हार जाएंगे तो नहीं होगा। सबसे पहले ट्रैक में जाने के बाद आपको किसे माइंड सेट करना है ये बताइए? माइंड ये सेट करना था कि हमको हर हाल में मतलब लड़का लोग मतलब दौड़ में रहेगा तो हम पीछे रोकेंगे नहीं, उन्हीं लोगों के साथ में दौड़ते रहेंगे, अब होगा चाहे ना मेरा, बट सर लोग बोले थे कि अगर लगे रहोगे लाइन में तो हो ही जाओगे, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारे हैं एकदम दौड़ लेकर। और ये बताइए कि अंदर में आप लोग का चेस्ट में अभी फिलहाल किस तरह से हो रहा है, चेस्ट हाइट मेजरमेंट किस तरह से हो रहा है? चेस्ट में मतलब उतना लड़का लोग छठा नहीं है, सब चेस्ट को ले रहा था, वो हाइट है नो, हाइट की वजह से लड़का लोग छठा हुए हैं सिर्फ। आपको फर्स्ट और सेकंड बैच में कुछ अंतर लगता है क्या? नहीं नहीं सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना सब फर्स्ट बैच में? वही सिर्फ धूपा के वजह से फर्स्ट वाला मतलब है तो क्लियरली। और कितना का बैच बनाया जा रहा है सबसे पहले? बैच में थोड़ा बहुत बच्चा था, फर्स्ट बैच क्या चीज़ कितना का बनाया जाता? सेकंड बैच 140 का बना था। हाँ 140 मतलब वही आसपास 150 के आसपास में बना था बैच, उसमें 130 शायद सब लोग को डराया गया, टेबल बनाकर कि मतलब लाइन में लगाया गया था और सब क्वालिफाई आधा मतलब लगभग 75% लगा क्वालिफाई हो गया है। मान लीजिए बिहार में कोई आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले अगर आ जाना चाहिए या कि 2 दिन पहले या बताइए? हाँ मतलब टाइम है तो एक दिन पहले ही आ जाएगा, तो यहाँ पर रहने का व्यवस्था है तो एक दिन पहले रहने का तो व्यवस्था इधर तो है ही, लॉज वगैरह आप लोग का कुछ नहीं? नहीं आप लोगों को तो मालूम नहीं, देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे भी दिया गया है क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आ गया एक दिन तो लड़का लोग रह रहा है तो उन्हीं के साथ मिला रह सकता है। ये बताइए कि आपका बैच में चेस्ट में कितना छटा? चेस्ट में लगभग हमने बेंच में जो टेबल नंबर 7 था तो हमारे टेबल में जो था ना तो उसमें सिर्फ 2 लड़का छटा है और कोई नहीं छटा है। अब इन लोगों से पूछिए जो इन लोगों में छटा होगा। हम लोग के बैच में शायद हम सेकंड बैच में दौड़े थे 10 लड़का छटा था चेस्ट में, जिसका चेस्ट सस्पेंड नहीं हो रहा था उसको छाट दे रहा था, टाइम दे रहा था लेकिन फिर नहीं हो रहा था तब पर भी निकाल दे रहा था, चाहे 80 से कम हो रहा था तब पर भी उसको निकाल दे रहा था। और हाइट में तो सफा रनिंग का टाइमिंग किस टाइप का रह रहा था? रनिंग का टाइमिंग एकदम फुल 24 मिनट। हाँ 1 सेकंड अधिक नहीं है, 1 सेकंड कम नहीं, मैं टाइमिंग में इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? टाइमिंग में कुछ दिक्कत नहीं है, लड़का पूरा क्वालिफाई 60-70% हो गया है। तो ये बता दीजिएगा आने वाला बंदा को जो आएगा उस लोगों के लिए कुछ बताइए।
उन लोगों के हमने यही कहना चाहते हैं कि वो लोग आए तो एकदम हिम्मत बांधकर दौड़े, कहीं रुके ना, तो जो लोग लगातार दौड़ते रहेंगे तो उनका हो जाएगा, निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हिम्मत हार जाएंगे, सोचेंगे कि मतलब हम थोड़ा रुक ले, तो पीछे रह सकते हैं। अभी एग्जाम का कोई डेट अभी बताया गया है क्या? एग्जाम के डेट सर लोग बताए हैं कि अगला मतलब 2 महीना के आसपास तैयारी करिए, उसके आगे आ जाएगा। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मेल के द्वारा बता जाए। 2-2.5 महीना के लगभग आसपास टाइम है, उसमें आ जाएगा, सब मेल पर आएगा, ईमेल वेल पर बोले हैं कि आ जाएगा सब चीज़। तो चलिए भाई लोग को सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, और आप लोग को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों।